तुझे पता है छिपकली, जब तुझे पहली बार ही देखा था ना। एलिस कौशिक जो कि इन दिनों बिग बॉस में नजर आ रही हैं और एलिस को बिग बॉस में लोग बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। सीरियल पांड्या स्टोर से रावी और कंबर को एक अलग पहचान मिली थी और वहीं से इन दोनों की जोड़ी फेमस हुई थी। एलिस और कंबर पहली बार पांड्या स्टोर के सेट पर मिले थे और वहीं पर इनकी दोस्ती हुई और इन्हें प्यार हुआ। पर अब इन दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलिस जब बिग बॉस में गई थी तब एलिस ने इंटरव्यू में बताया था कि कंबर उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कंबर ने जब प्रपोज किया था तो सीधा शादी के लिए प्रपोज किया था। पर कंबर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रावी को शादी के लिए कभी भी प्रपोज नहीं किया और न ही उनसे शादी करने के लिए कहा। बात करें एलिस कौशिक की, जो कंबर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और कंबर को ही अपनी पूरी दुनिया मानती हैं। और जब सलमान ने वीकेंड के बारे में एलिस को ये बताया कि कंबर ने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि वो एलिस से शादी नहीं करना चाहते और न ही उन्होंने शादी के लिए कभी प्रपोज किया, और सलमान खान की ये बात सुनकर एलिस पूरी तरीके से टूट गई और पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। और अब कंवर ढिल्लो को फैंस बहुत ही ज्यादा हेट करने लगे हैं। वहीं एलिस कौशिक का बिग बॉस के घर में रो रो के बुरा हाल है और अब इन दोनों का रिश्ता जल्द ही खत्म होने वाला है। आई होप एलिस और कंवर के बीच में सब कुछ सही हो जाए और ये दोनों पहले की तरह ही नजर आए। वैसे आप इन दोनों की जोड़ी को कितना पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने ओपिनियन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। जैसे आप बात करते हो, या क्योंकि मुझे वो ऐसी लगी, अब उसने अंदर बोल दिया कि उससे तो सीधा मुझे बोला आई वांट टू मैरी यू, तो मेरे को पूरे मेरे डीएम भरे हुए हैं, ओ आपने तो 4 साल पहले प्रपोज कर दिया एलिस को, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ।